हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट में खाया मैंने संतरा और ब्लैक कॉफ़ी पी। मंडे जिम जाने का समय हो चुका है। 4 दिन जिम बंद था दिवाली की वजह से, तो आज चलो चलते हैं जिम और शुरू करते हैं वर्कआउट की शुरुआत। वैसे तो मेरे वर्कआउट की शुरुआत कल से ही हो चुकी है, जैसे आपने ब्लॉग में देखा। तो फिर चलो जिम चलते यार, 4-5 दिनों के बाद जाऊँगा जिम। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्साइटेड हो जा रहा है। सो गाइज, अभी समय आ चुका है जिम को चलने का। मतलब जिम से पहले करते हैं मोटरसाइकिल को कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि अभी मैंने चेक किया काफ़ी ठंडा लग रहा है इंजन। पहले चोक देते हैं, फिर एक 15-20 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही रखेंगे और फिर चलेंगे। जिम के पार्किंग लॉट से वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का। आई, चलो चलते हैं ऊपर। हमारा जिम है फर्स्ट फ्लोर पर, तो जाहिर सी बात है पहुंच जाऊंगा। तो गाइज, आपकी दिवाली कैसे गई कमेंट करके मुझे बताओ। और पहुंच गया हूँ बात आपसे बात करते करते जिम पर। सो गाइज, वर्कआउट हैज़ बिन डन। अभी चलते हैं घर और पीछे दावत की तैयारी चल रही है। अभी लोग यार, इतने बजे 11 बजे लोगों ने लंच करना शुरू कर दिया। क्या बात है यार, बहुत बहुत मज़े से खा रहे हैं। अपना आज से डाइट चालू है, सो कंट्रोल। तो गाइज, जिम से वापस आने के बाद में थोड़ा नहाया, थोड़ा सा खाया। अभी वापस जाना है बाहर, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो चलो चलते हैं बाहर। वैसे तो आज लेग्स किए तो काफ़ी थक गया हूँ, पर जाना ज़रूरी है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, दोपहर में घर आने के बाद मैं घर आया ऑलमोस्ट 4:15-4:30 बजे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा काम था वो किया, उसके बाद में ब्लॉग कल का एडिट करना था वो एडिट करके अपलोड कर दिया, और एक 15 या 20 मिनट के लिए पावर नैप। इतनी बढ़िया नींद आई ना, अब मुझे ज़रूरत है एक कप बढ़िया कॉफ़ी की। मैंने कॉफ़ी कम की है, ये दिन का आई थिंक सो दूसरा कप है। सो आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। कम करना है मुझे, सिर्फ दिन की एक कप पीनी है कॉफ़ी, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है। सिर्फ सुबह कॉफ़ी, दैट्स इट, उसके बाद में नो कॉफ़ी। तो चलो पहले नीचे चलते हैं और बनाते हैं कॉफ़ी। मैं ऑलरेडी नीचे जाकर आया हूँ, थैले में कॉफ़ी है क्योंकि कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। तो चलो नीचे चलते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। तो गाइज, कॉफ़ी इज़ रेडी। अभी थोड़ी देर देखते हैं डेली सोप। चलो डेली सोप। तो गाइज, अभी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो गया है, और वो है कि कंटेंट क्या ढूंढूं। मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ ना, उतना मैं कंफ्यूज्ड होता चला जा रहा हूँ। इस सिचुएशन में मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है
कि मैं व्लॉग ना बनाऊं, पर ये ऑप्शन होते हुए भी मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं व्लॉग डालना चाहता हूँ कल। तो एक काम करते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है वो कंटेंट ढूंढते हैं। और कैसे ढूंढे कंटेंट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा अभी डार्क आपको दिखाई देगा क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। ये देखो सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ मैं अभी, और ये हमारी माता जी यहाँ पर बना रही है दो टाइप के सूप। एक है मशरूम सूप और दूसरा ये आई का है कुटला, इसे कोकम बोलते हैं। ये एक फल होता है रेड कलर का, जो महाराष्ट्र में जो जिसे एक पार्ट बोलते हैं कोकण नाम का। अगर आपने मेरे कोकण के ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, है नीचे। तो कोकण में ये फल काफ़ी पाया जाता है, उसका शरबत भी बनता है और उसका सूप भी बना सकते हो। काफ़ी काफ़ी खट्टा होता है, पर उसका जो शरबत है ना वो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलो कंटेंट तो ढूंढ लिया, शरबत कैसे बनाते हैं कोकम का पूछ लेते एक बार माँ से। हमारी माता जी अभी पूछ रही थी कि आप क्या खाओगे आज। आज ही डाइट किया है यार, शुरुआत की है आज डाइट से। चल रहा है टीवी, पिताजी की चेयर खाली है, कहीं तो बाहर गए हैं वो, अभी आएंगे। और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि जो मैंने शर्ट भिगो कर रखा है वो धोने के लिए। और ये जा रही है बस, अभी गई, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सका, शायद आपने आवाज़ सुनी होगी। और हमारा घर बस रूट पर है, इसलिए हमारे घर में जो डस्ट का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, तो जितना भी साफ करो उतना ही कम है। पर हम लोग, देखो मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, आपको सहना होगा इस ब्लॉग में, प्लीज़। तो प्लीज़ थोड़ा सह लो यार, थोड़ा सा माता जी के साथ गप्पे मार रहे हैं तो बोल क्या मार ले। ओके, तो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी कितने दिन तक आकाश कंदील रखना है हमें। तो अभी 10-15 दिन तो रखेंगे, क्योंकि दिवाली होती है त्रिपुरी पूर्णिमा तक, उसके बाद में निकालेंगे, तब तक लाइटिंग रहेगा। चलो अभी मेरे सोने का समय हो चुका है, अब मैं जाता हूँ ऊपर। चलो गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सो गाइज, अभी समय आ चुका है व्लॉग का एंड करने का। पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था कि आज के लिए कंटेंट क्या ढूंढूं, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद और थोड़ा कुछ भी बोलने के बाद कंटेंट थोड़ा सा हो गया है। ब्लॉग ठीक ठाक सा 8-9 8 साढ़े 8 मिनट का हो जाएगा, आई होप सो। अभी मैंने एडिटिंग शुरू नहीं किया है, कल करूंगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ मेरी कुछ भी बकबक आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बकबक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। देखो कितने प्यार से मैं बात कर रहा हूँ यार, इसी बात पे सब्सक्राइब तो कर दो। सो गाइज, दिस इज योर फिट ऋषि व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और ये वादा करता हूँ कि कल वापस जरूर आऊंगा। ओके, और जाने से पहले 4 वर्ड्स बोल कर जाऊंगा। आज शायद एक और वर्ड में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन उस 5वें वर्ड के बारे में मैं कितना कंसिस्टेंट रहूंगा इसके बारे में थोड़ा डाउट है, पर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। आई विल सी यू वेरी 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 सून। सो